दिल्ली को पीने के लिए पानी यमुना नदी से मिलता है, लेकिन जब इसी यमुना नदी का पानी पीने लायक ही ना बचे तो क्या होगा? दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया कि यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाने की वजह से एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए पानी मुसीबत बन सकता है। यमुना नदी में बढ़े अमोनिया के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि कई बार याद दिलाने के बाद भी हरियाणा की ओर से यमुना में औद्योगिक प्रदूषण को नहीं रोका जा रहा है। इस वजह से वजीराबाद बैराज पर यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़कर 7 PPM यानी कि पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि इसका मानक 0.8 PPM है। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्ढा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि साफ पानी दिल्ली वालों का हक है। दिल्ली को वैसे भी जरूरत से कम पानी मिल रहा है और उसमें भी इतना अमोनिया मिल रहा है कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, कई बार प्लांट बंद करना पड़ता है। आपको बता दें कि मंगलवार को यमुना के पानी में 7 PPM तक अमोनिया पहुंच गया था। पिछले 2 साल के दौरान दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया का ये सबसे उच्चतम स्तर है। इसकी वजह से वजीराबाद चंद्रावल प्लांट की क्षमता 50% तक कम हो गई है और ओखला प्लांट पर भी काफी असर पड़ा है। राघव चड्ढा ने इस मामले में CPCB से दखल देने की बात कही है। वहीं CPCB के अनुसार दिल्ली में 22 गंदे नालों की पहचान की गई थी। इनमें से 14 गंदे नाले से यमुना में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया गया था। इसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, साथ ही साथ झाग भी उत्पन्न होता है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।